पेश है स्काई वैली टीएमसी प्रोजेक्ट बाय दिनार डेवलपर महारेरा अप्रूव। इसमें 1 BHK 2 BHK और जोड़ी फ्लैट का भी कॉन्सेप्ट है जो 1 acre 7 story 6 tower में बना है विथ बिग कारपेट एरिया वो भी मार्केट के करीब। एमिनिटीज में 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन, क्लब हाउस, जिम, जॉगर्स पार्क, पावर योगा, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स, 500 मीटर्स के रेडियस पर स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी, पावर लिफ्ट के साथ स्टील पार्किंग, इजी बैंक लोन अवेलेबल। स्पेशल ऑफर 3.5 लाख भरिए और 3 साल तक नो EMI। स्काई वैली आपका नया घर, आपका नया सपना। जुमा का भी कर लेना चाहिए था ना, सिर्फ ईद का क्यों? फिर तो 5 वक्त की नमाज के लिए फिर जो है वो सब हॉल बुक कर लिया जाए, तो हॉल को ईदगाह का नाम दिया जा रहा है ना। ये इतना बड़ा मुसलमान बेल्ट है, 25,000 लोग जहाँ पर नमाज पढ़ेंगे, ऐसी जगह है। क्या सब मस्जिद के इमाम जो है वो अपनी मस्जिद को छोड़ करके यहाँ पर नमाज पढ़ाने आएंगे? बर्थडे पार्टी है, वो ईदगाह वाले हॉल में आ जाना। क्या मैसेज जाएगा? बहुत सारी जगहों पर ना ट्रस्टी बन के कब्जा करके बैठे हुए हैं। क्या हर साल होगा क्या? हाँ, फिर हर साल ये हॉल वालों की चांदी हो जाएगी। BJP ने सबसे पहला जो वार करी है ना आप पर, वो यही करी है कि माइनॉरिटी फंड ही खत्म कर दिया, कि ईद की नमाज उस जगह पढ़ी जाए जो आने वाले दिनों में हमेशा के लिए ईदगाह के तौर पर जाना जाए। कहाँ पे है ये जमीन? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के वाई जंक्शन पर। आपको दिखाएंगे कि ये जो है माउंट मेरी हॉल है और इसके जस्ट बगल में ही देखेंगे स्टार इवेंट्स है, इधर हार्लेन है। दरअसल ईद की नमाज जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि ईद की नमाज यहाँ पर होगी खुले आसमान के नीचे, लेकिन इस पर कुछ लोग एतराज़ भी जता रहे हैं। एतराज़ जताने में जो पहला नाम है वसीम सैयद, वो यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर आज शहर के कुछ उलमा इकराम हैं जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उनका कहना था कि मस्जिदों में काफ़ी भीड़ होती है और बाहर भी मस्जिद के लोग नमाज पढ़ते, तो इसलिए कुछ उन लोगों ने ये जो यहाँ पर हॉल है यहाँ पर नमाज का इंतज़ाम किया है। तो आपको क्यों एतराज़ है इस पर, क्या मामला है? नहीं तो नमाज का इंतज़ाम तो फिर जुमा का भी कर लेना चाहिए था ना, सिर्फ ईद का क्यों? ये भीड़ होती है ना, जुमा में भी भीड़ होती है, जुम्मतुल विदा में भी भीड़ होगी, क्या करोगे? फिर तो 5 वक्त की नमाज के लिए फिर जो है वो सब हॉल बुक कर लिए जाए। भीड़ होती है तो फिर 5 वक्त की नमाज़ के लिए हॉल बुक कर लिए जाए ना। और एतराज़ जिस चीज़ के ऊपर है वो ये आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो देखिए, ये एक मैसेज मेरे सामने आया आपके स्क्रीनशॉट के तौर पर, ये आप देख लीजिएगा बाद में, चाहिए तो मैं आपको दूंगा। अब मैं आपको ये मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। इस साल ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में होगी, तो क्या इससे पहले नमाजें नहीं हो रही थी? इस साल होगी खाली ईदगाह में, कहाँ होगी? ये तो हॉल है ना, हॉल। हाँ तो हॉल को ईदगाह का नाम दिया जा रहा है ना, ये इसीलिए मैं पढ़ करके मैं मेरे एतराज़ात आपको बता रहा हूँ कि किस वजह से मैंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाए। नहीं तो ये फिर गलत लिखा है ना अगर इन्होंने। हाँ गलत ही है ना, आप एक बात समझे कि ये जो जगह है यहाँ पर इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? एक टीम है, एक टीम अवाम है, एक टीम अवाम करके कोई इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। स्टार इवेंट करके कोई है, स्टार इवेंट्स वाले ये कर रहे हैं। देखो स्टार इवेंट्स यहाँ पे लिखा है, विंसेंट लॉन, ये वेडिंग लॉन लिखा हुआ है, ये हलचल हॉल, ये खिदमत खल्क ट्रस्ट और ये जामिया आरिफिया, ये 4-5 लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद सपोर्टेड बाय तंजीम उलमा अहले सुन्नत व आइम्मा मसाजिद। इसका मतलब होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो अहले सुन्नत वल जमात की हैं और मस्जिद के इमाम लोग। तो मेरा एक सवाल है कि 250 से ज़ायद मस्जिद होंगी यहाँ पर, तो क्या सब मस्जिद के इमाम जो है वो अपनी मस्जिद को छोड़ करके यहाँ पर नमाज़ पढ़ाने आएंगे, या फिर वो इमाम गलत हैं जो अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ा रहे हैं? अच्छा दूसरा, पूरे 30 दिन तक के वहाँ पर ना तरावी हो रही है, वहाँ नमाज़ें पढ़ाई जा रही है, एक हॉल में उसको ईदगाह का नाम देना कहाँ सही है? अगर आपको ईदगाह में नमाज़ पढ़वानी है तो ईदगाह का इंतज़ाम कर लिए होते। अच्छा इतनी क्या जल्दबाजी करने की ज़रूरत थी कि आप जो है वो
एक हॉल के अंदर जो है वो एक इवेंट के तौर पर, इसके अंदर देखो नीचे कुछ लिखा हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर लोग हैं जो इसको सपोर्ट करें, मेरे हिसाब से शायद एतराज़ होने के बाद जो है वो नाम हटा दिए गए अभी। कौन कौन से नाम उस पर डाले गए थे? वो इसमें कुछ, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई स्कूल है शायद वो अपने प्रमोशन के लिए इनको कुछ फ़ंड दे रहे होंगे या जो भी होगा, तो वो उनका नाम तो बाद में हटा लिया गया, लेकिन ये इस तरीके से इवेंट्स के तौर पर जो है वो जो ये हॉल है, हॉल को ईदगाह नाम दिया गया था, इस पर जो है एतराज़ कि हॉल को ईदगाह नाम नहीं देना चाहिए था। कैसे होगा भैया, आप यहाँ पर जो है वो पार्टियाँ होती है, फिर बाद में क्या होगा, ये एक है ना रिलेट कर लिया जाएगा, आगे चलकर क्या होगा कि भैया एक बर्थडे पार्टी है वो ईदगाह वाले हॉल में आ जाना, तो क्या मैसेज जाएगा? बात समझने की ये है, आपका जो भी इसके अंदर आगे का मंशा है, जिस तरीके से भी आपने जो सोचा इसके अंदर, अच्छा बहुत सारी चीज़ें, अगर कभी समझ लो आपकी बात के ऊपर पूरा शहर इकट्ठा हो गया तो फिर कहाँ नमाज का इंतज़ाम करेंगे, कहाँ से इतनी सारी चटाइयाँ लाएंगे? ठीक, सवाल ये भी उठ रहा है कि इस बार हो गया ईद, ईद में इस बार लोग नमाज़ पढ़ लिए, लेकिन उसके आगे क्या क्या हर साल होगा क्या? हाँ, फिर हर साल ये हॉल वालों की चांदी हो जाएगी। ये हॉल जो है ऐसी, जो ये जगह के बारे में आपको मालूम है क्या, ये जगह के मालिक ने राम मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया था। ठीक है, वो उनकी श्रद्धा है, उनका एक वो है। अरे नहीं, वो दे सकते, वो अलग चीज़ है। नहीं, नहीं, लेकिन क्या है? क्या वो ये पढ़ाने देंगे आगे चल करके, जब अगर ये पॉपुलर हो जाएगा तो? बात समझने की तो ये ना, अगर ये हो जाएगा तो पढ़ाने की इजाज़त मिलेगी क्या इसके अंदर? नहीं मिलेगी ना। तो ऐसी कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर नहीं जाना चाहिए, मेरी एकदम सिंपल सी बात है, मेरा तो एतराज़ रहेगा। हाँ, अगर आइंदा चल करके अगर कभी ये करना चाहते हैं तो ईदगाह का इंतज़ाम होना चाहिए शहर के अंदर, और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि हम लोग सब मिल करके शहर के अंदर एक ईदगाह बनाएं, जहाँ पर जो है वो हर बार है ना ईदेन की नमाज हो, किसी प्राइवेट हॉल की ज़रूरत न पड़े हमारे। और जो मैसेज चलाए थे हसन भाई, वो भी है यहाँ पर, उनसे हसन भाई आप लोगों ने एक मैसेज चलाया अभी अभी जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कम एडवोकेट, कम सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शागिर वसीम सैयद, हमारे हसन मौलानी साहब ने ये मैसेज चलाया और हमने उसी वक्त जो है वो इसका एतराज, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ईदगाह का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन वसीम भाई एक मैसेज दिखा रहे हैं उसमें ईदगाह का जिक्र है, आप लोगों ने हॉल को क्यों ईदगाह बना दिया? दरअसल बिल्कुल इसमें मेरे इल्म में कमी है इस चीज़ को लेकर, उर्दू वगैरह मुझे नहीं आती, तो मैंने गूगल पे सर्च किया था कि ईदगाह मतलब एक ऐसी जगह जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, तो मैंने वो ईदगाह लिखकर मैसेज चलाया था, जिसको वसीम भाई ने इमीडिएटली मुझे बोला था कि इसे ईदगाह मत बोलो, इसे कुछ और बोलो, तो मैंने इन्हें ग्रुप में कहा था कि आपकी जो बात है मैं मुफ्ती साहब तक पहुँचाता हूँ, फिर इफ्तार बाद मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई, मुफ्ती साहब को मैंने बताया कि इसे ईदगाह बोलना जायज़ है या नाजायज़ है, बोल सकते कि नहीं, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं भी थोड़ा सा रेफ़र कर लेता हूँ कि क्या क्या शरीयत में है और हदीसों में क्या है। उसके बाद इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज हमें बताया कि कुछ हमारे मैसेज में ऑर्गेनाइज्ड बाय सपोर्टेड बाय चीज़ें जो लिखी हुई थी वो चीज़ें ना लिखे, अगर किसी तंजीम का नाम लिखना भी है, क्योंकि आखिर जाकर लोग पूछते हैं कि कौन रख रहा है क्या है, तो अगर कोई तंजीम है भी जैसे तंजीम अहले सुन्नत वल जमात जो है और आईएमआई मस्जिद जो जिनकी तंजीम के लोग बैठे थे, अगर उनका नाम है तो दुआ के तलबगार फला फला तंजीम ऐसा लिख कर आप मैसेज चलाइए, ऐसा मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है। तो अब वो मैसेज में जैसे वसीम भाई ने कहा था और मुफ्ती साहब ने कहा, वैसे चेंजेस लाकर इंशाल्लाह वो मैसेज सोशल मीडिया पर चलाया जाएगा। मतलब वो जो सपोर्ट और जो इवेंट के तौर पर, हाँ वो हटा दिया, इस चीज़ को तो कल ही वसीम भाई ने रेस किया था। हाँ, और हमारा हमारा एक इसके अंदर मतलब हसन भाई से, मतलब हसन भाई तो भाई है हमारे मतलब भी, लेकिन शहर के अंदर जो भी है, देखिए अगर मेरे से भी गलती होगी तो मुझको भी कोई ना कोई सुधारने के लिए यहाँ पे मौजूद है। कहा जा रहा है कि हर साल फिर ईद की नमाज यहाँ पर होगी क्या हर साल? वसीम भाई ने अभी मुफ्ती साहब से बात हुई, वसीम भाई ने इंशाल्लाह एक बहुत अहम बात की कि अल्लाह ने चाहा तो वसीम भाई उस चीज़ पर मुसलसल लगने वाले आज के बाद से, और बकरईद की नमाज़ ये सरकारी ज़मीन जो अलॉट की जाएगी रिक्रिएशनल ग्राउंड उस पर ईदगाह की नमाज़, बकरीद की नमाज़ जो इंशाल्लाह 17 या 18 जून को होगी गालिबन, आने वाले 3-4 महीने बाद जो बकरीद की नमाज़ होगी वो सरकारी अलॉटेड ज़मीन पर होगी, ऐसा कहाँ पे है जमीन? नहीं अभी देखिए कैसा है कि एक चीज़ जो हुई जिसके अंदर बात ये नहीं होना चाहिए ना कि सिर्फ तनकीद हो, यानी क्रिटिसिज्म करके बात को ख़त्म करना नहीं चाहिए, मेरी ये सोच है। एक बात है कि ईदगाह होनी चाहिए, इतना बड़ा मुसलमान बेल्ट है
है ना, हर किसी को वो अपने धर्म की पाबंदी करने की इजाज़त है, उसके ऊपर फॉलो करने की इजाज़त है। तो हमारा इतना बड़ा शहर है और इतनी सारी जगह हैं जो ओपन प्लॉट्स हैं, तो हम अगर सही तरीके से आपस के अंदर सर जोड़ करके बैठें, सब लोगों को मिला करके, भाई हमारा मकसद क्या है, एक साथ सब मिल करके चले ना, कि हम लोग अलग अलग घड़े में तो नहीं बटना चाहते हैं। तो हम मिल करके जो है वो आने वाली जो ईरान है, अभी ये ईद के तो बहुत छोटा टाइम है, इसमें कुछ भी जो इसके फॉलोअप करना, उस तक के पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आने वाली जो ईद की है, जो फौरन जो बकरा ईद नज़र आ रही है, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि ईद की नमाज़ उस जगह पढ़ी जाए जो आने वाले दिनों में हमेशा के लिए ईदगाह के तौर पर जाना जाएगा। कहाँ पे है ये ज़मीन? कोशिश की जाएगी, मुमरा में अभी बता दूंगा। सवाल, सवाल वही रहेगा है कहाँ पे नहीं, जमीन? कैसा है कि अगर अभी से बता दिए ना, तो कैसा है यहाँ पर है ना, एक अलग टाइप के लोग रहते हैं कि अच्छे काम के लिए जाने के लिए ना बीच में ना रोड़े डाल के ना पैर लगा के खड़े हो जाते हैं, फिर उनको है ना अपनी सीनियरिटी याद आने लग जाती है कि भाई हम इतने पुराने हैं। एक मुकम्मल तौर पर एक ईदगाह तो मिलना ही चाहिए, 15 लाख 13 लाख 14 लाख की जो भी आबादी जी, है जी, जी। तो ईदगाह तो एक होना ही चाहिए यहाँ पर, और बड़ा ईदगाह हो जिसमें करीब 10-12 हज़ार लोग एक साथ में, 25 हज़ार लोग जहाँ पर नमाज पढ़ेंगे, ऐसी जगह है, 25 हज़ार लोग वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसी जगह है, मुमरा में ही है। कहाँ पे? मुमरा। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम लोग सब मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे उसके लिए, सब लोग जितनी कोशिश की जाएगी। और जो बहुत सारी जगहों पर ना ट्रस्टी बन के कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, है ना, बहुत सारी जगहों पर ज़बरदस्ती, उनको भी इसमें लिया जाएगा कि भाई कौम के लिए काम करने के लिए निकले। और फिर इसको माइनॉरिटी फंड के जो पैसा आता है वो मुमरा में दरअसल इस्तेमाल कहाँ होता है? ख़त्म हो गया ना माइनॉरिटी, क्या कहाँ? बीजेपी ने सबसे पहला जो वार करी है ना आप पर, वो यही करी है कि माइनॉरिटी फंड ही खत्म कर दिया। सेंटर का खत्म हुआ, स्टेट का बढ़ गया ना भाई। अरे स्टेट में जब सेंटर से नहीं आएगा, देखिए ऐसी तो बहुत सारी स्कीम है माइनॉरिटीज़ के लिए, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स थी लेकिन मिल रही थी कि हमारे को। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बजट बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने जिस चीज़ को बोला है वो माइनॉरिटीज़ के अंदर सबका इन्वॉल्वमेंट, ओबीसी है खाली, माइनॉरिटी और ओबीसी सबका इन्वॉल्वमेंट है। ये जो था ये पर्टिकुलरली हमारे से रिलेटेड था। मैं आपको बता दूँ प्रहार टाइम्स के माध्यम से, महाराष्ट्र मुमरा कलवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी डेवलपमेंट का जो फंड है वो आ चुका है, वो आया था, कई बार आया था। मरहूम रफ़ीक मुकादम साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने कई बार वक्तन बवक्तन उन्होंने इशू रेज़ किया था कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट के जो पैसे आए थे उससे भी गटर बनाए गए हैं, उससे भी रास्ते बनाए गए, और उनके पास एविडेंशियल प्रूफ थे, आज भी उनके फेसबुक प्रोफाइल पर है। जबकि माइनॉरिटी डेवलपमेंट से गटर नहीं बनने चाहिए थे, लाइब्रेरी बननी चाहिए थी, अखिलियतों के लिए चीज़ें बननी चाहिए थी, उनके लिए रिक्रिएशनल ग्राउंड बने चाहिए थे जो नहीं बने। सही बात। अब वसीम भाई जो बोल रहे हैं कि क्रिटिसिज्म और वो बातें बनते चले जाएगी, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा प्रहार टाइम के माध्यम से, जिस तरह से नए कब्रिस्तान को लेकर MYF टीम ने जो काम किया है, मुमरा यूथ फाउंडेशन ने काम किया है, उसी तरह से मुमरा वॉइस ने जो एंटी ड्रग्स के ऊपर काम किया है, इसी तरह से MPS मुमरा प्रवासी संघ ट्रैफिक के मुद्दे पे काम करती है, इसे प्रेशर ग्रुप कहते हैं। अगर एक अच्छा प्रेशर ग्रुप मुसलसल काम करने के लिए ईदगाह के लिए भी आ जाए, एक प्रेशर ग्रुप बन जाए जिसमें वसीम भाई रहे, मैं रहूँ, दीगर उलमा इकराम रहे और हमारे सीनियर जो भी है वो रहकर मुसलसल प्रेशर ग्रुप की तरह काम करे, तो जिस तरह से वसीम भाई बोल रहे कि 25,000 लोग नमाज़ पढ़ने की एक जगह मुमरा में है, तो वो हमारे लिए आने वाली ईद की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज़ वहाँ हो सकती है, बजाय इस बशर्त यह है कि हमें मुसलसल उस पर प्रेशर डालना पड़ेगा, काम करना होगा। एक आखिरी सवाल, गटर नालों में माइनॉरिटी का पैसा किसने इस्तेमाल किया? जिसने भी इस्तेमाल किया उसको फौरी तौर पर निकाल दो अपने दिलों से, सीट से नहीं बोल रहा हूँ, दिलों से निकालो। आप कैसे अपने दिल से निकालेंगे? नहीं मैं तो निकाल चुका हूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि देखिए हम सत्ता में हैं क्या? कभी आपको कहीं दिखा कि मैं कहीं पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ? आपने हमेशा इस बात को दिखा होगा कि जहाँ गलत होगा मैं वहाँ पर कहीं ना कहीं दर्जे में खड़ा हुआ नजर आऊँगा, या तो आगे बोलता हुआ नजर आऊँगा या तो पीछे ना भीड़ के हिस्सा बन के रहूँगा, लेकिन गलत के साथ नहीं रहूँगा। ये मेरी एक आइडियोलॉजी है, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना, मेरा सगा भाई ने अगर गलत किया है और वो मुसलमानों के या फिर और जो जिनका हक है उनके ख़िलाफ़ अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। ठीक, तो आपकी बकरा ईद की नमाज़ लोग कहाँ पढ़ेंगे? इंशाल्लाह आने वाली बकरा ईद की नमाज़ हम सब मिलकर के कोशिश करेंगे कि ऐसी ईदगाह में अदा की जाएगी जो आने वाले दिनों में परमानेंट तौर पर ईदगाह कहलाएगी।
तो आपने सुना कि हसन भाई जो है उन्होंने मैसेज टाइप कर दिया था, और क्योंकि ईद की नमाज़ जो है यहाँ हॉल में पढ़ाई जानी थी और उन्होंने गलती से मिस्टेक कहे उसको कि ईदगाह लिख दिया था, जिसको लेकर काफ़ी जो है आपत्ति जता रहे थे कुछ लोग। हुसैन सैयद तो सामने भी आ गए इस मामले को लेकर कि ये एक शादी वेडिंग हॉल है और इसे ईदगाह नहीं बोला जा सकता है। हालांकि हसन भाई ने भी कहा कि उनसे मिस्टेक हुई, उन्होंने लिख दिया था।